वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत हूँ परिवहन पंचायत से। दोस्तों, जैसा कि आपको टाइटल पे लिखा है कि DL-1RT परमिट इनको नहीं मिलेगा, बड़ी आश्चर्य की बात है। सब लोग बोलेंगे, सब लोग तो कहते हैं परमिट मिलेगा, पर आप कह रहे हो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना, और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी टीम का जिन्होंने कोर्ट में जाकर कमिश्नर ट्रांसपोर्ट पर एक दबाव बनाया है। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि हम कमिश्नर ट्रांसपोर्ट का घिराव करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी बात नहीं सुन रहा। तो कुछ मेरे साथियों ने कहा था, सर ऐसे कैसे घिराव कर लोगे, फलां कर लोगे, धमका कर लोगे। आलोचना करना सबका परम सिद्ध अधिकार है, हमें इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये ट्रेड मेरी माँ है और हमारे लिए, जैसे भारत माँ के लिए सभी काम करते, मेरे व्यापार के लिए कोई भी काम करता है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। और ऐसा ही सभी साथियों को करना चाहिए। हर आदमी अपने क्षेत्र में प्रयास करता है, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, और हमारी एक टीम ने प्रयास किया। दोस्तों, मैंने जो शब्द बोला है कि इनको DL-1RT परमिट नहीं मिलेगा, इनको मतलब कुछ खास की बात कर रहा हूँ। मेरे पुराने साथी, उनको जानकारी होगी, हमारी एक टीम थी जिन्होंने स्पीड गवर्नर के ऊपर विजय प्राप्त की थी कि स्पीड गवर्नर उनकी गाड़ियों में नहीं लगे। बाद में वो टीम खिंड गई, आपस में मतभेद हो गए, वो अलग टॉपिक है। लेकिन वहाँ हुआ क्या था ये बताने जा रहा हूँ। वो टीम ने मेरे को अप्रोच किया, मैं उनके साथ अथॉरिटी के अंदर गया। मेरे एक साथी आजकल काफ़ी चर्चा में हैं, मेरे खास प्रतिद्वंदी जिसे कह सकते हैं, वो भी मेरे साथ गए। जब वहाँ पर हम गए गाड़ी पास कराने के लिए, तो वहाँ पर ऑर्डर लेकर MLO बोलता है कि इसमें सिर्फ ये लिखा है कि इस संस्था के सदस्यों को ही स्पीड गवर्नर में छूट मिलेगी। जो साथी मेरे साथ गए, उनकी गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश की थी, दिल्ली की एक भी गाड़ी उनके सदस्यों की उस समय फिटनेस के लिए नहीं थी कि हम ये तोड़ पाते कि स्पीड गवर्नर नहीं लगेगा। मैंने तभी धन्यवाद किया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेके वो आए थे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश वो लेकर आए थे, लेकिन हम लागू नहीं करा पाए क्योंकि उसमें लिखा था कि ये सिर्फ इस संस्था के सदस्यों के लिए है। आज कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, एक सच्चाई है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर, नम सिर झुकाकर विनती करना चाहता हूँ, कम से कम DL-1RT ABC जितने भी मेरे साथी हैं, वो आज जो हमारी संस्था चालक शक्ति लड़ रही है, उसके सदस्य जरूर बने। मैं हमेशा कहता हूँ, परिवहन पंचायत के सदस्य बने या किसी भी संस्था के सदस्य बने, लेकिन आप लोग एक ग्रुप क्रिएट करते हो कि ये हेल्प ग्रुप है या फलाना ग्रुप है, दिमका ग्रुप है, और आप किसी संस्था को ज्वाइन नहीं करते, ये हमारी हार का प्रमुख कारण होता है। दोस्तों, वो संस्था के सदस्य 60 थे और 60 के 60 सदस्य दिल्ली में एक भी गाड़ी को स्पीड गवर्नर मुक्त नहीं करा पाए क्योंकि वो 60 के 60 सदस्य दिल्ली से बाहर की गाड़ी के नंबर लिए हुए थे। उसमें सिर्फ 5 लोगों के नंबर थे जो दिल्ली के थे, उनका नंबर फिटनेस अब तक थी नहीं, और इसी कश्मकश में अगली तारीख करते करते वो टीम खिंड गई और उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। आज हमारे पास जिस तरह से कल सुनवाई जो मेरे साथियों ने बताई, अनुज कुमार अन्ना से मेरी सवेरे मैंने फ़ोन किया, उनको उनसे बातचीत करी, मैंने उनसे कहा कि मेरे छोटे भाई, हमारा मतलब है कि काली पीली हो, DL-1RT हो, DL-Z हो या कोई भी टैक्सी हो, हम सभी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे जब तक जीवन है। आलोचना करना ना करना वो सबका अपना जन्म से अधिकार है। मैं हमेशा कहता हूँ, जितनी लड़ाई आपस में लड़ने में करते हो, उतनी अगर सरकार से लड़ने में कर दो तो हमें कभी हार का मुंह ना देखना पड़े। मैं आप उन दोस्तों को कहना चाहता हूँ, उन लोगों को परमिट नहीं मिलेगा जो चालक शक्ति के सदस्य नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और यकीन ना आता हो तो स्पीड गवर्नर का ऑर्डर उठा के देख लीजिएगा, उसमें 60 सदस्य थे कमर्शियल ड्राइवर यूनियन के, उनके लिए कोर्ट ने लिखा था। और हमारी सरकार के जो लोग हैं बड़े तेज हैं, हमसे ज़्यादा तेज है, पढ़े लिखे हैं,
ये लोग आपको फिर गुमराह कर देंगे, ये फिर आपको परमिट नहीं लेने देंगे। तो मैं आपसे पुनः फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप सभी चालक शक्ति यूनियन जिसका केस के अंदर नाम दर्ज है, जो मुझे बताया गया, कोई और नाम दर्ज है मुझे नहीं पता, जो नाम वहाँ दर्ज कराया गया है उस संस्था के सदस्य बन जाओ। कल को कोर्ट ने पूछ लिया कि कितने सदस्य हैं, कितनी गाड़ियाँ आपकी हैं, क्या दिखाएगा कि मेरी 3 गाड़ी है, 4 गाड़ी हैं या 200 गाड़ी हैं। दोस्तों आपस में गिले शिकवे मिटा दो, ट्रेड की जब बात आती है तो ट्रेड के लिए खड़े हो एक मजबूत बनके। ये मेरी वीडियो है, जो भाई सुन रहा है और देख रहा है, जितने साथियों तक पहुंचती है पहुंचाओ, और पर्सनली DL1RT वालों को बोलो कि मित्र किसी न किसी यूनियन के सदस्य बनो, लेकिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ चालक शक्ति के सदस्य बनो, जिससे आप हाई कोर्ट का जो केस है उस मुकदमे को जीत पाओ। बातें बहुत है करने के लिए, समय बहुत हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दे देता हूँ। नहीं तो कोई बोलते हैं कि आप अपनी राम कथा सुनाना शुरू कर देते हो, कभी ईश्वर मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं राम कथा भी सुना पाऊँ। पर अभी मैं सिर्फ निवेदन करा है कि जितने भी अगर DL1RT के दोस्त हैं वो अगर परमिट चाहते हैं तो चालक शक्ति के सदस्य बन जाए। कोर्ट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपको इस चीज़ के लिए चैलेंज कर सकता है, और नहीं तो कमर्शियल ड्राइवर यूनियन के जो लोग पुराने उनसे पूछ लीजिएगा कि आपने स्पीड गवर्नर पे जीत ली थी वो क्यों नहीं लागू हो पाया, वो आपको बता देंगे। कोई आदमी बड़ा छोटा मत करो, कोई ना कहो उसने किया, आप सभी के मेहनत से काम हुआ है, आप सभी के भाग्य से ये काम हुआ है। मैं राम कथा की बात सुनाना चाहता हूँ। एक किश्ती के अंदर कुछ लोग सवार थे, तो किश्ती जब डोलने लगी, हिलने लगी, तो सब लोगों ने कहा कि भाई इसको फेंक दो। तो सबने बोला, एक दुर्बल आदमी बैठा था कोने में, कि इसको फेंक दो, इस करके ये जो सागर है भेंट मांग रहा है। जैसे उसको दरिया में फेंका वो सारी किश्ती डूब गई और सब लोग मर गए। उसी अकेले के भाग्य से वो लोग जी रहे थे, किश्ती चल रही थी, डगमगा रही थी, चल रही थी। इसी प्रकार आप में से पता नहीं किसका भाग्य होगा कि हम सभी साथियों का ट्रेड बच रहा है, हम सभी साथियों की जीत हो रही है। कल को कोई ये नहीं कहेगा कि इंद्रजीत की जीत हुई है, कल को कोई ये नहीं कहेगा कि अन्ना राठौर जीता है, कल को कहेंगे टैक्सी वाले ने दिल्ली सरकार पर जीत हासिल की है। तो सभी टैक्सी वाले इस बात ख्याल रखें, जिसके भी नज़दीक में DL1RT गाड़ी नज़र आती है उसको बोलो चालक शक्ति का ऑफिस फिरोशा कोटला के पास है, वहाँ जाएं, अपनी सदस्यता लें, अपनी फ़ोटो, अपनी गाड़ी की RC, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, और जो उनका शुल्क है वो देकर सदस्यता जरूर लें, तभी आपकी जीत हो पाएगी। इन्हीं बातों के साथ विराम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी आपकी मजबूती और परमिट आपको मिल पाएगा।